ओके चलो हेलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज सो so दैट फिर आज की हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं आज बहुत मजा आएगा कल मोस्ट प्रोबली हमारा फाइनेंस कमोडिटी स्टॉक मार्केट वाला जो एस्पेक्ट है ये खत्म हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट मार्केटिंग ठीक है चलिए सब बढ़िया है लेट्स रॉक गाइस कम ऑन चलो अपने अपने दोस्तों को बता दो कि सर आगे करके ठीक है चलो वी स्टार्ट चलो हाय गाइस गुड मॉर्निंग सॉरी वापस हाय गाइस गुड आफ्टरनून चलो सो so, आज हम लोग और इस टॉपिक को इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं बहुत मजा आने वाला है आज आज सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है डिफेंसिव स्टॉक पहली टर्मिनोलॉजी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है दोस्तों डिफेंसिव स्टॉक तो आइए जरा स्टडी करते हैं डिफेंसिव स्टॉक का मतलब क्या होता है किसे हम लोग कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक एज द नेम सजेस्ट डिफेंसिव स्टॉक मतलब क्या है ना आप पहले सुनो कॉन्सेप्ट को बॉडी के अंदर जाने दो और फिर उसके बाद हम लोग क्या उसको करेंगे उसको रीड करेंगे सो डिफेंसिव स्टॉक मतलब क्या होता है ना एक ऐसे स्टॉक होते हैं जो आपको स्टेबल अर्निंग्स या डिविडेंड्स आपको प्रोवाइड करता है मतलब एकदम स्टेबल मतलब भाई मार्केट में कुछ भी हो मतलब मार्केट में भले ही इकोनॉमिक डाउन टर्न हो मार्केट एकदम ही नीचे गया हो मार्केट क्रैश हुआ हो बट वो जो स्टॉक्स है ना भाई वो जो शेयर्स होते हैं ना वो आपको एक स्टेबल अर्निंग प्रोवाइड करेंगे आपको एक स्टेबल डिविडेंड देंगे आपको स्टेबल इनकम आपको देंगे वो बोलेंगे मार्केट में कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बट क्या होगा क्या होगा हम आपको इनकम प्रोवाइड करते रहेंगे हम आपको स्टेबल अर्निंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे मतलब आप समझिए आपका पोर्टफोलियो भले ही वो क्या हो गया रेड में गया हो यू अंडरस्टैंड रेड में जाना मतलब आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया लाल हो गया गया मतलब लॉस में चला गया. बराबर बट फिर भी ये स्टॉक बोल रहा है किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना वो डिफेंसिव स्टॉक है वो वो आपके पोर्टफोलियो को एज द नेम सजेस्ट वो डिफेंड करेगा वो आपके पोर्टफोलियो को बचाएगा समझ रहा है बात को वो आपको प्रोटेक्ट करेगा वो तो भले ही आपको वो मार्केट गिरने के वजह से क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है बढ़िया बोल रहा है एटलीस्ट मैं कुछ तो तेरे को इनकम प्रोवाइड करता हूं कि जिससे तेरे को कुछ रिलीफ मिल जाए कुछ राहत मिल जाए समझा गया बात को सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एस वॉट डिफेंसिव स्टॉक समझा बात को पक्का सो एज द नेम सजेस्ट डिफेंसिव स्टॉक सो क्या लिखा है डिफेंसिव स्टॉक में आइए पढ़ते हैं सो डिफेंसिव स्टॉक इज अ स्टॉक दैट प्रोवाइड वॉट कॉन्स्टेंट डिविडेंट्स एंड प्रोवाइड्स विथ वॉट स्टेबल अर्निंग्स इवन इन दीरियड्स ऑफ वॉट इकोनॉमिक डाउन टर्स यू अंडरस्टैंड नाउ इकोनॉमिक डाउन टर्न बिजनेस साइकिल पड़ गया है हम लोग बराबर इकोनॉमिक डाउन टर्न मतलब क्या हो रहा है वहां पर एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है इवन इन द क्रिटिकल सिचुएशन दीज कंपनी कंटिन्यू टू पे द डिविडेंट एट अस्टेंट रेट एकदम अच्छे कंपनीज है ये क्या बोल रहे हैं आपको ये डिफेंसिव स्टॉक है जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंट डिविडेंड्स एंड स्टेबल अर्निंग्स आर वी गुड सो एस द नेम सजेस्ट डिफेंसिव स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को कौन बचा के रख रहा है defensive. ये स्टॉक्स तो इनका नाम क्या है डिफेंसिव स्टॉक मतलब मार्केट भले ही नीचे गिरा हो इकोनॉमिक डाउन टर्न है बट फिर भी आपको हम लोग इनकम देते रहेंगे इसको क्या बोलेंगे अपन डिफेंसिव स्टॉक क्या बॉडी के अंदर गया ये कभी भी आप ये अगर टर्मिनोलॉजी डिफेंसिव स्टॉक देखोगे तो क्या समझ में आ जाएगा क्या बिल्कुल सर समझ में आ जाएगा इसी को ध्यान में रखते हुए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिफेंसिव स्टॉक की अगर बात कर रहे तो फिर अपन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अबाउट आई से इनकम स्टॉक किधर रहे इधर रहे क्या बोल रहा है ये इनकम स्टॉक अब एक डिफेंसिव स्टॉक समझ में आया जो आपको क्या कर रहा है मार्केट भले ही क्या हुआ हो गिर रहा हो ये आपको क्या करते जाएंगे आपको ये कांस्टेंट डिविडेंड स्टेबल अर्निंग्स आपको प्रोवाइड करते जाएंगे स्टेबल हा मतलब भाई तुमको कुछ तो पैसा हम लोग देखते रहेंगे तुम टेंशन मत लो इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे डिफेंसिव स्टॉक स्टेबल स्टॉक नहीं बेटा डिफेंसिव स्टॉक ठीक है आगे अभी बात हो रही है इनकम स्टॉक की अब इनकम स्टॉक में क्या बोला ये ऐसे स्टॉक है विच एज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स एंड ऑफर डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक्स समझ में आया गया आपको मतलब डिफेंसिव स्टॉक से अलग है ये इनकम स्टॉक्स है इनका उद्देश्य क्या है भाई हम आपको सबसे ज्यादा डिविडेंड देंगे मतलब पर्पस एकदम सिंपल है बीस कंपनीज के शेयर्स जो है ना आपको बहुत ज्यादा क्या देते हैं डिविडेंड देते हैं दरवाजा लगा दे रहे द हायर रेट ऑफ डिविडेंड बराबर के नहीं हायर रेट ऑफ डिविडेंड आपको प्रोवाइड करेंगे क्या प्रोवाइड करेंगे आपको हायर रेट ऑफ डिविडेंड मतलब आप समझिए ना आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा यू इन्वेस्ट शेयर और आपको क्या मिलेगा उससे डिविडेंड मिलता जाएगा आपको बहुत भारी एकदम जैसे आपको मैं बताऊं कि, आपको, कि जैसे अभी यह देखो एच डी एफ सी बैंक ऐसे इनकम स्टॉक नहीं है बस बता रहा हूं कि आपको इनकम स्टॉक ऐसा क्यों बोलते क्या खुशी होती है आपको मैं बताता हूं जैसे ये HDFC बैंक इन्होंने नाइनटीन रूपीज पर शेयर इन्होंने क्या किया है डिविडेंड दिया है बराबर है so, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को, मेरे, पास है? 19 है। बराबर नहीं, 19. मेरे को पास कितने शेयर कितना मजा है मेरे को कितनी खुशी हुई आपको समझ में आ रहा है आपको सोचो ना आपको ऐसे थ्री सिक्सटी वन रुपीज कोई भी दे दिया वाह गजब एकदम खुशी नहीं हो रही आप लोगों को ये डाबर इंडिया डाबर कंपनी मालूम ना आपको है? हाँ अभी देखो इन्होंने बोले अरे हर्षद सर ये ले लो आप फोर ट्वेंटी थ्री रुपीज दे लो डिविडेंड अरे मस्त कितना मजा आ रहा भाई तो आप समझिए ऐसे कुछ कंपनीज अभी ये सोचो ये तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड पे दिया इन्होंने बट सोचो कुछ जो आपको बहुत ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है मतलब एवरी ईयर यू आर गेटिंग द हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो इनकम बढ़ रही ना तुम्हारी भाई कितना भारी लग रहा है यार तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग क्या नाम देंगे इनकम स्टॉक्स जो औरों से ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड आपको देंगे बाकी कंपनी जो नॉर्मल अगर मान लो दो पांच टक्का दस टक्का दे रहे ये हैं, हम लोग पंद्रह बीस टक्का दे रहे आपको डिविडेंड तो सही है एकदम so, सो इसको क्या बोलेंगे अपन इनकम स्टॉक्स सो दो बातें हमने करी एक हमने किसकी बात करी डिफेंसिव स्टॉक जो आपको स्टेबल अर्निंग्स देंगे स्टेबल डिविडेंड देंगे कांस्टेंट रेट पर देंगे समझा गया इसको कौन सा बोलेंगे डिफेंसिव स्टॉक। बट और इनकम स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक आपको स्टेबल अर्निंग्स देते रहेंगे आपको एक कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड देते रहेंगे इनकम स्टॉक आपको औरों से ज्यादा डिविडेंड आपको देंगे क्लियर एकदम बात यस yes, सर सर इतनी बातें अपन ने कर ली इनकम स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक बट सर इसके अंदर है ना बार 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 लगातार एक टर्मिनोलॉजी आ रही है सर वो समझ नहीं आ रहा है हम लोग को और वो टर्मिनोलॉजी है सर ये कौन सी डिविडेंड सर ये एग्जैक्टली exactly डिविडेंड मतलब होता क्या है यार अब ये समझ में नहीं आ रहा सर वॉट इज डिविडेंट ठीक है सो डिविडेंट मतलब क्या होता है आपको समझाता हूं मैं दोस्तों डिडेंट इज अ पोर्शन ऑफ अर्निंग्स डिविडेंट इज अ पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विच इज पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न ऑन दियर इन्वेस्टमेंट बोलो नहीं समझा अब समझो ये जो है ना यहां पे कंपनी है कौन है कंपनी है अभी क्या हुआ ये कंपनी जो है ना इस कंपनी को बहुत ज्यादा क्या हो गया भाई प्रॉफिट हो गया इस कंपनी को क्या हो गया बहुत मस्त अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया अब यहां पे ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए कंपनी के ओनर्स को तो ओनर्स कौन है शेयर होल्डर्स तो जब इस अर्निंग्स ये प्रॉफिट मतलब क्या बोल रहे हैं अपन कंपनी के अर्निंग्स जब इस कंपनी के अर्निंग्स में से कुछ हिस्सा हम लोग किसको देंगे किसको देंगे शेयर होल्डर्स को जब हम लोग देंगे ये अर्निंग्स में से हिस्सा तो इसको क्या बोलेंगे अपन दिस इज कॉल्ड एस वॉट दिस इज कॉल्ड एस डिविडेंट इसको क्या बोलते हैं अपन डिविडेंट कि शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका उन्हें रिटर्न मिला है द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट और वो कहां से मिला है प्रॉफिट से तो आज जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं ना कि मेरे को क्या दिख रहा है यहां पे कि आई हैव गॉट अ डिविडेंट ऑफ फोर ट्वेंटी थ्री रूपीज तो ये मेरे को कहां से मिला भाई डाबर कंपनी ने उस साल प्रॉफिट किया समझा बात को और उसमें से मेरे पास कितने शेयर्स है 157 फिफ्टी सेवन शेयर है मेरे पास एक शेयर के पीछे उन्होंने 2.70 पॉइंट का डिविडेंड दिया तो मेरे एक शेयर के पीछे वो बोल रहे हर शेयर होल्डर को भाई 2.7 पॉइंट दो आप ये उसका प्रॉफिट है ये प्रॉफिट में का उसका शेयर अब ऐसे उस कंपनी के पास लाखों करोड़ों शेयर होल्डर शेयर होंगे ना उस कंपनी के डाबर के एक करोड़ों शेयर होंगे उसमें मेरे पास चुटुकला सिर्फ कितना शेयर है कितना सेवन तो वो दो टू पॉइंट सेवन रुपीज का क्या कर देंगे वो लोग? डिविडेंड दें अब सोचो किसी के पास अगर भाई हजार शेयर होंगे तो उसको कितने कितना डिविडेंड मिलेगा उसको टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड किसी के पास बीस हजार शेयर होंगे एक लाख शेयर होंगे जिसके पास एक लाख शेयर्स होंगे उसको कितने मिलेंगे दो लाख सत्तर हजार रुपए का डिविडेंड मिलेगा उसको तो मैंने इतना पैसा अटकाया है आपकी कंपनी में जिसके वजह से आपने बिजनेस किया है और आपने प्रॉफिट कमाया है तो उसका कुछ हिस्सा आप मुझे दीजिए समझे बात को तो दैट रिटर्न दैट आई गेट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द शेयर ऑफ दो अर्निंग्स ऑफ द कंपनी दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एक्स वॉट मेरा बच्चा डिविडेंड समझा गया बात को सो so, क्या कहता है डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ पढ़ेंगे पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स विच इज गोइंग टू पे टू इट्स वॉट शेयर होल्डर्स इन रिटर्न ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट समझा गया कुछ तो बोलो समझा गया अब यहां से आगे क्या हो रहा है एक तो इट इज ए डिक्लेयर एज अ परसेंटेज ऑफ द करंट शेयर प्राइस और सम स्पेसिफाइड रूपी वैल्यू एक तो परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे वो लोग या तो रूपी वैल्यू डिसाइड कर देंगे जैसे इधर प्रैक्टिकली अपन क्या देख रहे हैं यहां पे डिविडेंड पर शेयर कितना बोला बोला उसने टू परसेंटेज में नहीं बोला कि ये करंट शेयर प्राइस है उसकी ये दो परसेंट आपको डिविडेंड दे रहे उसका वन परसेंट आपको ऐसा भी हो सकता है या आपको वो डायरेक्टली बोलेंगे एक शेयर के पीछे आपको दो रुपए मिलेंगे समझा गया जैसे अगर आप देखोगे यहां पर जैसे ये और इन्होंने एक शेयर के पीछे ये कौन सी कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड इन्होंने कितना दिया है एक शेयर के पीछे उन्होंने एट पॉइंट सेवन फाइव रुपीज दिया है स्पेसिफाइड वैल्यू दिया है उन्होंने समझा क्या बात को सो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट कि डिविडेंड आपको जो मिलता है इट इज अ पोर्शन ऑफ द कंपनी मतलब प्रॉफिट उसमें से आपको जो शेयर होल्डर्स है उसको आपको ये पैसा दिया गया है क्लियर एकदम क्या ये परसेंटेज में हो सकता है वैल्यू में हो सकता है यस yes, बढ़िया अभी आगे ये क्या लिखा हुआ है दिस इज यूजली डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इट इज डिसाइडेड बाय हूम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आप समझने की कोशिश कीजिए यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, कंपनी के जब इट इज डिसाइडेड बाय हूम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन डिसाइड कर रहा है ओके okay. यहां पे मैं आगे लिख देता हूं आपके लिए इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स समझा गया बात को इधर उन्होंने बुक में सिर्फ क्या दिया है डिसाइडेड बाय अपन एक्स्टेप आगे गए और हमने क्या बात करी कि इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर तो आप समझिए बात को इसका मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एसपीसी को फाइनेंशियल इ्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में प्रॉफिट हुआ है ठीक है और हम लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मैं आनंद सर पूजा मैं हम लोग सब ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग मिले बैठे और हम लोग बोल रहे यार इस बार प्रॉफिट हो गया है चलो बच्चों को पार्टी देते हैं दैट इज अ डिविडेंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला चलो बच्चों को पार्टी देते हमने बोला डिसाइड कर लिया चलो डिसाइडेड बोला है ना बट हमने डिसाइड किया चलो देते बट फिर हम लोग आएंगे आपके पास आप लोग कौन है शेयर होल्डर्स और आपको पूछेंगे बच्चों आपको पार्टी चाहिए क्या अरे बच्चों आपको पार्टी चाहिए क्या तो ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अरे समझा गया शेयर होल्डर्स बिंग दी ओनर्स वो बोलेंगे हम लोग को पैसा चाहिए या नहीं चाहिए हम देने के लिए तैयार है आपको चाहिए क्या तुम मालिक है भाई कंपनी के तो तुम कंपनी के हित में डिसीजन लोगे कि अपन को अभी पैसा चाहिए या नहीं चाहिए समझा क्या बात को सो इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड बट इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स हम बोलेंगे हाँ हमको पार्टी देने का तुमको आप बोलोगे नहीं हमको पार्टी चाहिए नहीं आप इंटर में दो सर पार्टी हमको अच्छा पार्टी दो सर इंटर में अभी अभी अब नोको सर तो ये आपका कॉल हुआ ना हम ऐसे नहीं तो बोल सकते नहीं नहीं हमको तो देना ही है पार्टी आपको लेना है तो लो नहीं तो लो आप पार्टी में जाएंगे पूरा खाली रहेगा तो मजा क्या आएगा फिर तो वैसा है वो समझा क्या हमने डिविडेंट डिक्लेयर तो कर दिया बट आप कलेक्ट ही नहीं करोगे तो तो इसीलिए आपसे पहले पूछेंगे कि क्या आपको डिविडेंड चाहिए क्या हम देना चाहते हैं तो दिस इज हाउ इट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स सही है एकदम यस सर पढ़िए वापस से डिविडेंड को गुड बोलो बच्चों, यस yes, सर अब क्या होता है ना डिविडेंड में हमने क्या देखा यहां पे? क्या सीखा बच्चा डिविडेंड के अंदर हमने देखा कि बॉस देर इज वॉट जो ये पैसा है ना इस पैसे का एक्चुअल में क्या होता है आउटफ्लो होता है कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाता है और ये जो शेयर होल्डर्स है इनमें बांटा जाता है बराबर बट कभी कभी कंपनी क्या बोलती है यार हम लोग को है ना शेयर होल्डर्स को देना है बट यार पैसा भी हम लोग को चाहिए मतलब कुछ बेनिफिट हम लोग को शेयर होल्डर्स को देना भी है बट क्या हो रहा है हम लोग को आउटफ्लो ऑफ कैश भी नहीं करना है वी डोंट वॉन्ट टू यू नो गिव मनी बट वी वॉन्ट टू गिव बेनिफिट टू देम तो ऐसे केस में जब आपको एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं करना है बट आपको मेंबर्स के लिए कुछ करना भी है तो हम उन्हें क्या देते हैं बोनस शेयर्स, बोनस मतलब क्या कहते हैं एज द नेम से बोनस कुछ फ्री में मिल रहा है तो शेयर होल्डर को क्या हो रहा है यहां पे शेयर होल्डर को शेयर के पीछे शेयर मिल रहा है इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, बोनस मिल रहा है मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आपको उस शेयर के बदले हम आपको और शेयर्स देंगे तो इससे क्या होता है शेयर होल्डर खुश है ना वो बोलता है मेरे को शेयर के बदले और शेयर मिल गया तो आई एम हैप्पी बराबर है तो इसमें क्या हो जाता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शेयर कैपिटल में जाता है अभी आपके दिमाग में शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल कुछ अकाउंट का तो प्रॉफिट जनरल रिजर्व है और ऊपर शेयर कैपिटल है तो कंपनी क्या रही कर रही है इसको रिकैपिटलाइज कर रही है प्रॉफिट को क्या कर रही है रिकैपिटलाइज जिसमें वो क्या करता है यहां से जनरल रिजर्व से पैसा हटा के वो ऊपर शेयर कैपिटल में डाल देंगे और वो शेयर कैपिटल जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज वॉट बोनस शेयर मतलब यू डोंट हैव टू पे मनी टू द कंपनी आपको वो फ्री अलॉटमेंट मिल रहा है आपको समझा गया तो यू आर गेटिंग वॉट फ्री शेयर तो आपके पास अगर मान लो टाटा कंपनी के सौ शेयर है टाटा कंपनी ने बोला कि इन प्रोपोर्शन हर दो शेयर के पीछे मैं आपको एक शेयर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पचास शेयर आपको फ्री में मिल गए आपको उसका कुछ पैसा नहीं देना है और उसकी फेस वैल्यू रहेगी उसकी फेस वैल्यू रहेगी उसकी मार्केट वैल्यू भी रहेगी बाद में उसके ऊपर डिविडेंड भी मिलेगा आप तो खुश हो गए ना भाई आप तो ठीक है पैसा नहीं दे रहा कोई बात नहीं चलता मेरे को मेरे को बोनस शेयर तो मिल रहे ना तो मेरा शेयर होल्डिंग क्या हो रहा है उस कंपनी का बढ़ रहा है दैट इज ऑल्सो यू आर हैप्पी विथ इट अब इसमें क्या होता है जब बोनस शेयर मिलते हैं ना दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है आप समझिए मार्केट में जब लोगों को पता चल रहा है कि ये कंपनी बोनस शेयर देने वाली है तो सब लोग क्या करेंगे बताओ उसके शेयर्स खरीदने के लिए क्या करेंगे डिमांड करेंगे क्योंकि बोनस शेयर्स किसको मिलता है जिसके पास शेयर्स है उसको बोनस शेयर मिलता है इसके लिए लोग क्या करेंगे उसके शेयर्स खरीदेंगे उम्मीद में कि आगे अपने को इसके बोनस शेयर्स मिलने वाले तो क्या हो जाएगा उस शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू सप्लाई बाय विल बी मोर एज कंपेयर टू व्हाट सेल तो ऐसे केस में उस शेयर का भाव क्या हो जाएगा चढ़ेगा या गिरेगा चढ़ेगा ऊपर जाएगा सर तो उसमें भी उनको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है मतलब बीस रुपए का शेयर अब तीस चालीस रुपए भी हो जाएगा प्लस अपने को फुकट में और शेयर मिल रहे तो भाई मजा नहीं लाइफ होगी ना यहां तो समझा गया तो ऐसा फिर जो शेयर होल्डर है इज हैप्पी कि मेरे को पैसा भी नहीं दिया तो भी चलता है मेरे को क्या मिल रहा है बोनस सो so, बोनस शेयर मतलब क्या बोला अपन ने यहां पे इट इज अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इट इज अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर मतलब इन प्रोपोर्शन मतलब क्या जैसे अभी मैंने कहा कि एक शेयर के पीछे एक शेयर दो शेयर के पीछे एक शेयर पांच शेयर के पीछे एक शेयर ऐसा वो बोनस देंगे आपको अगर तुम्हारे पास दो शेयर है तो आपको बोनस में एक शेयर मिलेगा उसका आपको कोई पैसा देने का नहीं है सो इट इज गिवेन आउट ऑफ वॉट दी अक्यूमिलेटेड रिजर्व मतलब जो आपका प्रॉफिट या जनरल रिजर्व जो आप लिखते हो ना उसमें से आपको ये पैसा इसमें से आपको ये शेयर दिए जाते हैं ठीक है एकदम यस सर अ बोनस शेयर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशनल वेल टू द शेयर होल्डर्स बराबर इट मियरली सिग्निफाइज री कैपिटलाइजेशन ऑफ विजर्व हाउर एक्सपेक्टेशन ऑफ बोनस शेयर हैज अ बुलिश इंपैक्ट ऑन द मार्केट सेंटिमेंट एंड कॉजेज द शेयर प्राइजेस टू गो अप अब आपको ये बुलिश इंपैक्ट क्या बोला है वो समझ में आएगा आपको बुलिश yeah. इंपैक्ट समझ में आएगा आपको yeah. क्या समझा आपको कि जिससे मार्केट क्या हो जाता है ऊपर चले जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी क्या है बोनस शेयर मिलने वाले तो शेयर की डिमांड क्या करते हैं वो लोग ज्यादा करते हैं तो प्राइस उसकी क्या हो जाती है बढ़ जाती है सो so, अभी हम लोग आए और कौन से कौन से बात टॉपिक्स के बारे में बात करी डिफेंसिव yeah. स्टॉक जो आपको स्टेबल अर्निंग कांस्टेंट डिविडेंड देंगे इनकम स्टॉक जो आपको हायर रेट ऑफ डिविडेंड देंगे बट सर फिर ये डिविडेंड होता क्या है सो डिविडेंड मतलब क्या बोलेंगे अपन कि इट इज द इट इज द पोर्शन ऑफ द कंपनी अर्निंग गिवेन टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ वॉट द प्रोफिट करेक्ट एकदम उसमें मुझे एक बात बताओ ये डिक्लेयर कौन करता है और डिसाइड कौन करता है मतलब प्रपोजल कौन करता है इसका बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स और डिक्लेयर कौन करता है शेयर होल्डर्स बट फिर अगर अपने को पैसा नहीं देना है बट कुछ बेनिफिट देना है तो हम लोग क्या दे सकते हैं बोनस so, बोनस के लिए कुछ पैसा लेते हैं हम लोग नहीं इट इज अ फ्री अलॉटमेंट इन प्रपोर्शन टू दी एग्जिस्टिंग शेयर सही एकदम इट इज म्यू वॉट रिकलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व समझा योनस शेयर की वजह से आपको क्या लगता है अगर जब मार्केट में एक सेंटिमेंट है कि कंपनी के बोनस शेयर मिलेंगे तो मार्केट में आ, क्या इंपैक्ट रहेगा बुलिश या बरिश तो प्राइजेस अप होंगे या डाउन होंगे खत्म एनी वन एनी क्वेरी अभी सर बात आती है एक वो ये है कि सर ये बोनस शेयर्स या ये डिविडेंड सर हम लोग देंगे तो किसे देंगे अब समझिए बात को ये यहां पे अपना जो है ना साल ये यहां पे खत्म हो गया बराबर है और अब क्या हो रहा है मार्केट में रोजाना आप देखिए कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल चल रहा है समझ रहे क्या बात को आज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा बेच दिया मैंने टाटा का शेयर खरीदा बेच दिया अरे रोज खरीद रहा हूं रोज बेच रहा हूं रोज ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं तो अभी समझ में नहीं आ रहा टाटा कंपनी को रिलायंस कंपनी को डा, डा, डाबर कंपनी को आईसीआईसीआई कंपनी आई 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 को समझ में नहीं आ रहा उनको एच बैंक को समझ में नहीं, नहीं आ रहा कि यार ये डिविडेंट या बोनस दो किसे में आज ये खरीद रहा कल बेच रहा अरे हम लोग तो देते किसको शेयर होल्डर को देते ना ये डिविडेंट और बोनस अरे बोलो भैया यार ये तो आज खरीद रहा कल कोई और है तो देख किसको बताओ किसको दू फिर किसको दू हैंग हो रहे हम लोग यार तुम प्रैक्टिकली थोड़ा प्रॉब्लम समझो तो ऐसे केस में क्या होता है वो लोग क्या करते हैं उनका जो ये मेंबर्स रजिस्टर है जिसमें आज अगर मैंने शेयर खरीदा तो मेरा नाम इसके अंदर दर्ज होगा मैंने बेचा तो मेरा नाम इसमें से हट जाएगा ये जो वो मेंबर्स रजिस्टर जो ये बुक है ना ये इसको कुछ पीरियड के लिए वो क्या कर देते हैं इसको इसको क्लोज करते हैं बोलते हैं अब है ना इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे भैया क्या बोल रहा है वो इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे और ये इस समय पे इस कट ऑफ डेट पे जिस किसी भी शेयर होल्डर का इसके अंदर नाम दर्ज होगा ना जिस किसी भी शेयर होल्डर का इसके अंदर उस कट ऑफ डेट पे नाम दर्ज होगा ना अभी इधर भले ही कोई बाय करता हो सेल करता हो कुछ भी हो इस दिन पे क्या आपका नाम हमारे इस मेंबर्स रजिस्टर में था हमने कहा था तो भैया आप वो उस दिन के शेयर होल्डर हो और आप हकदार हो जाते हो बधाई हो आपको हम लोग डिविडेंड या हम आपको बोनस शेयर्स दे सकते हैं नहीं तो फिर वो बहुत क्या होना पता नहीं चलेगा ना किसको दे किसको ना दे समझा गया बात को तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं इस मेंबर्स रजिस्टर को वो लोग क्लोज करते हैं अब जैसे मैं आपको बताऊं क्या अगर आप ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड प्रैक्टिकली पढ़ने का सब चीजें तो मजा आती है ठीक है ना अपन को कोई भी मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा अपन ने या अपन बीसी के पढ़ रहे अभी या इंटर में कॉस्टिंग हो या ऑडिट हो या फाइनल का ऑडिट हो मैं आपको बता रहा हूं कोई भी चीज प्रैक्टिकली पढ़े तो बहुत मजा आता है अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट मेरे पास 47 थे भले मैंने बाद में 10 लिए होंगे या मैंने बाद में बेच दिए होंगे 47 बट उस दिन जिस दिन जिस इन्होंने क्या किया बुक को क्लोज किया उन्होंने मेरे को बताया कि बुक क्लोजर के टाइम पे हर्षद जाजू का नाम था इधर रजिस्टर में समझा गया तो हर्षद जाजू आप चार रुपए का क्या करेंगे ये डिविडेंड लेंगे समझा गया इधर देखो ना यहां पर इधर भी ऐसे लिखा है क्या देखो अभी एच डी बैंक का इधर क्या लिखा हुआ है शेयर्स हेल्ड एज ऑन सिक्सटीन ऑफ में इन्होंने बुक कब क्लोज किया सोलह में समझा गया तो उस टाइम पे वो वर्ड आपने पढ़ा क्या बुक क्लोजर बराबर समझा गया समझाया क्या है तो अब यहां पे आते ना बेटा ऐसा मजा आएगा ना ये देखो बुक क्लोजर दिख रहा है क्या आपको है है भाई टर्मिनोलॉजी कल चल के आपको बात करेंगे बुक क्लोजर के टाइम पे सर आपका नाम नहीं था ना इसके लिए आपको जो है ना डिविडेंड नहीं मिलेगा आपके बोलोगे थर्टी मार्च को तो था ना यार मेरे पास शेयर भाई दैट इज नॉट दैट बुक क्लोजर समझा गया बात को सो बुक क्लोजर आइए पढ़ते हैं बेटा डेट्स बिटवीन विच द कंपनी कीप्स इट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड और इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स मजा आया गया वो उसको क्या कर देंगे बुक में अब कोई भी नया एंट्री होगा नहीं ना किसी का नाम डिलीट होगा उस कट ऑफ डेट पे जब उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे ओके देना बाद में वापस से हम लोग उसको अपडेट करना चालू करेंगे समझा गया जब आप इंटर में कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो आप मेंबर्स रजिस्टर के बारे में भी आप प्रोविजन पढ़ेंगे कि कितने समय तक क्लोज रख सकते हैं कितनी बार क्लोज कर सकते हैं इसके लिए भी कानून है ऐसा मन में आए तब बंद नहीं कर सकते या कितने समय के लिए बंद रखेंगे वैसा नहीं है यू विल स्टडी दिस इन इंटरमीडिएट लॉ समझा गया पक्का एकदम यस सर So, ये बात हो गई अपनी किसके बारे में बच्चों बुक क्लोजर लगे हाथ एक बार ये चिंटू सा टर्मिनोलॉजी रह गया था इसको निपटा देते हैं यार ब्रोकरेज को ब्रोकरेज मतलब द कमीशन विच स्टार्ट बाय द ब्रोकरेज फर्म अरे बोलो ना बस वो रह गया था तो इसको पढ़ लेते हैं इसको सही एक yes, है एकदम यस सर चलो यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या सो क्या क्या पढ़ा अपन ने डिफेंसिव स्टॉक इनकम स्टॉक फिर उसके बाद डिविडेंड बोनस एंड बुक क्लोजर करेक्ट एकदम यस सर अभी क्या हो रहा ना सर आप कब से बार बार बोल रहे थे कि डिविडेंट और कुछ ऐसे बट क्या सर ये मतलब कैसे होता है तो आप समझिए अब एक टर्मोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं बात करते हैं किसके बारे में पोर्टफोलियो के बारे में सुना होगा आपने बहुत से लोगों से कि पोर्टफोलियो आप बोलते होंगे सर आपका पोर्टफोलियो दिखाओ बराबर के नहीं आपके पापा बोलते होंगे मेरे पोर्टफोलियो में वो भी है आपके फ्रेंड्स बात करते होंगे या तेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर है क्या अरे पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है तो पोर्टफोलियो मतलब आप समझिए कि आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा जो बास्केट है उसको क्या बोलते हैं अपन पोर्टफोलियो समझा गया बात को सो so, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है बराबर उस सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं उसको उसको अपन बोलते हैं बच्चा पोर्टफोलियो बोलो ना कुछ तो भी इसको क्या बोलते हैं अपन पोर्टफोलियो सो पोर्टफोलियो का मतलब आज जैसे अगर मैं शेयर्स में लेना चाहता हूं तो मुझे अगर शेयर्स लेने हैं तो मैं क्या करता हूं एक पोर्टफोलियो बनाता हूं जिसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सेक्टर्स में मैं क्या करता हूं शेयर्स लेके रखता हूं मतलब आज अगर मुझे शेयर्स लेने तो मेरा पूरा का पूरा पैसा मैं आईसीआईसी बैंक के शेयर थोड़ी लूंगा मैं या पूरा का पूरा पैसा एच बैंक के थोड़ी लूंगा मैं या तो मैं पूरा का पूरा सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी डालूंगा मैं मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास आज एक लाख रुपए है तो और मेरे को शेयर्स खरीदना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक काम करते हैं आज बैंकिंग सेक्टर में डालते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में डालते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में डालते हैं आई कंपनीज में पैसा डालते हैं तो मैंने क्या किया मेरा एक लाख के मैंने तीन पार्ट बनाए अलग अलग सेक्टर के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी ये मैंने तीन सेक्टर्स में डाले अब अगर आईटी में अगर डालना है पैसा तो मैं सिर्फ पूरा का पूरा पैसा टीसीएस में थोड़ी डालेगा हाँ भले वो ब्लू चिप कंपनी है तो क्या हुआ मैं पूरा का पूरा पैसा टीसीएस में थोड़ी डालेगा मैं तो मैं टीसीएस में टीसीएस मालूम ना कौन सी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो टीसीएस के साथ साथ में विप्रो में भी डालेगा मैं अगर बैंक में डालना है तो मैं एच बैंक में डालेगा आईसीआईसी बैंक में भी डालेगा पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एच डी एफ में थोड़ी डालूंगा तो मैं क्या करता हूं मेरा ऐसा पोर्टफोलियो बनाता हूं मैं विप्रो में डालूंगा आईटी सेगमेंट में एल इंफ्रा में डालूंगा बराबर फिर उसके बाद मैं अपना बैंक्स में डालूंगा एफ एम सी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर आई उनमें डालूंगा आप समझ रहे क्या तो मैं जब अलग 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 सेक्टर्स के कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में जब मैं डालता हूं और उसका पूरा जो कलेक्शन बनता है तो हम क्या बोलेंगे दिस इज माय पोर्टफोलियो समझा गया तो जब भी आपको कोई आपसे बातचीत करेगा और बोलेगा यार वो मेरे पोर्टफोलियो में तो वो शेयर है ही नहीं तेरे पोर्टफोलियो में है क्या तो आप ऐसा हैंग मत होना कि भाई ये पोर्टफोलियो मतलब होता क्या है वॉट इज दिस सो पोर्टफोलियो इज वॉट ज योर होल्डिंग आप क्या क्या चीजें होल्ड कर रहे हो इट्स अ होल्डिंग इट कैन बी ऑफ इंडिविजुअल इट कैन बी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन वॉट डिफरेंट सेक्टर्स समझा गया बात को सो so, अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में जो भी आपका टोटल होल्डिंग है उस टोटल होल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे पोर्टफोलियो सही है एकदम बोलो ना बच्चों एकदम आसान है यस सर सो so, पोर्टफोलियो का मतलब सबको समझ में आ गया बोलो थोड़ी देर बाद <laughs> ऐसे क्यों बेजती करा रहा है मेरी भाई क्या कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है सही में ऐसे नहीं दिखा सकता इसमें इसमें नहीं दिखा सकता कोई बात नहीं चलो आ जाओ वेलकम बैक गया कम ऑन सो जी ऐसे बोलते नहीं गलत होता है वो ठीक है <laughs> So, आप समझिए बात को तो पोर्टफोलियो मतलब समझ में आया आप सबको एनी वन यस ओके सो आप समझिए बात को कभी दिखाऊंगा फुर्सत में अभी इसमें ये इस सिस्टम में नहीं है इसमें ऐप डाउनलोड करके दिखा दूंगा तो पोर्टफोलियो समझ में आया आपको बस अभी यहां से थोड़ा एक आगे बात बताता हूं कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना कौन सी कंपनीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बराबर जैसे आपने देखा होगा टाटा इन्वेस्टमेंट्स, रिलायंस इन्वेस्टमेंट्स और ऐसे ये एसेट मैनेजमेंट तो एनजे इंडिया बराबर तो ये जो कंपनीज है ये होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये लोग और एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या नाम होता है उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस का मतलब क्या होता है कि उनके अलग अलग फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं अपन ने उनको एक लमसम अमाउंट देने का और वो अपने लिए वो पूरा पैसा मैनेज करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस वो कौन से शेयर्स खरीदने का है कौन से शेयर्स बेचने का है क्या करना है वो एक्सपर्ट है वो आपका पचास लाख एक करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ जितना भी आपको लगाना है उसको देके रखने का आप खलास आपको कोई बाकी देखने आप नहीं बोल सकते उनको ये शेयर खरीद बेच वो बेच उनको पचास लाख रुपए दे देने का और उनको बोलने का तुम मैनेज करो वो आपको बोलते ऑन एन एवरेज हम आपको दस से पंद्रह रिटर्न सालाना देंगे आपको अब वो उनके हिसाब से क्या खरीदना है क्या बेचना है वो सब वो लोग करेंगे उसके लिए नो डाउट चार्ज फी वन टू परसेंट दिल चार्ज इज ओके अगर साल का दस पंद्रह रिटर्न अगर वो दस पंद्रह टक्का अगर रिटर्न दे रहा है इज ओके समझा गया बात को तो वो पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है वो वो मैनेज कर रहे वो नहीं तो आज क्या होता है अपने को स्ट्रेस रहता है कि कौन सा शेयर खरीदने का कौन सा शेयर बेचने का कौन से सेक्टर में अपन ने बाय करना चाहिए कौन सा सेक्टर ऊपर जा सकता है वी हैव दर आर दीज पोर्टफोलियो मैनेजर्स वो कहते हैं आप हमें लमसम पैसा दे दीजिएगा बाकी मैं खेल लूंगा आप टेंशन मत लो समझा बात को सो so, ऐसा भी अगर आप फ्यूचर में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट कभी कुछ आप बनना चाहते हो तो ये भी एक ऐसा एवेन्यू आपके लिए ओपन हो जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लोगों का पैसा अपन ने मैनेज करने का अलग डिमेट अकाउंट खुलता है उसका अलग से वो लोग उसको बाय सेल करते हैं अपना कहीं पर भी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसमें क्लियर एकदम यस सर सो दिस इज पोर्टफोलियो अब जब ये पोर्टफोलियो की बात करी तो सर अपन बार बार एक बात बोल रहे थे कि वो कहते हैं ना कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वॉट वन बास्केट बराबर है कि नहीं तो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो जो है ना मलिक वो कैसा होना चाहिए डाइवर्सिफाइड होना चाहिए वो क्या बोला अलग अलग सेक्टर में लगाओ पैसा अलग अलग कंपनी में लगाओ पैसा बराबर है तो इसको अपन क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट अगर आपका पूरी जितनी भी जमा पूंजी अगर आपने एक ही कंपनी के शेयर में लगा दी और अगर वो कंपनी डूब गई तो आप तो रस्ते पर आ गए ना भैया तो इसीलिए आपने क्या करना चाहिए आपने कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स लेने चाहिए आपने कुछ इनकम स्टॉक्स लेने चाहिए कुछ ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स आपने खरीदने चाहिए समझ में आया ऐसे आप आपका पोर्टफोलियो क्या कर सकते हो डाइवर्सिफाई कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग सेगमेंट्स लोग और अपने पोर्टफोलियो अगर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो लोग और इन्वेस्टमेंट के मतलब क्या करते हैं लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बराबर बाय परचेसिंग डायरेक्ट इक्विटी क्या करते हैं बाय परचेसिंग डायरेक्ट इक्विटी वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं या दूसरा वो लोग पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं बराबर उसके बाद वो लोग गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं वो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं वो लोग रियल इस्टेट खरीदते हैं रियल इस्टेट में ऑफिसेस खरीदते हैं शॉप्स खरीदते हैं समझ रहे बात को रेसिडेंशियल हाउसेस खरीदते हैं So, आप समझने की कोशिश करो जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं सर वो लोग फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं समझ रहे है बात को तो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आजकल तो रेरा फंड भी आया है रेरा फंड मतलब रियल इस्टेट का भी फंड बनता है तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वेन यू हैव दैट मनी यू कैनॉट पुट और पार्क ओनली इन वन पर्टिकुलर एसेट तो आपने क्या करना चाहिए इसको भिन्न भिन्न प्रकार में अलग अलग प्रकार पे आपने क्या करना चाहिए उसको आपका पैसा लगाना चाहिए कि थोड़ा पैसा शेयर्स में ले लिया थोड़ा गोल्ड खरीद लिया सिल्वर खरीद लिया थोड़ा हमने रियल एस्टेट में डाल दिया थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया थोड़ा अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया डिबेंचर्स में डाल दिया थोड़ा हम लोग ने क्या बोलते हैं उसको और डिबेंचर्स ले लिए कंपनी के जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे डिबेंचर्स बैलेंस शीट में आइटम डालते होंगे डिबेंचर्स डिबेंचर्स यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन कंपनीज डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप सो so ऐसे करके आप समझने की कोशिश कीजिए यू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज देन कॉल्ड एस वॉट डाइवर्सिफिकेशन सो पोर्टफोलियो मतलब क्या है समझ में आया और उसके बाद सेकेंड अपन ने क्या देखा ये पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए डाइवर्सिफाइड दैट इज डाइवर्सिफिकेशन क्लियर एकदम यस सर सो क्या लिखा हुआ है डायवर्सिफिकेशन रेड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेसिंग शेयर ऑफ वॉट डिफरेंट कंपनी ऑपरेटिंग इन वॉट डिफरेंट सेक्टर्स जब आप ये ऐसा डायवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में लाते हो तो कंबाइंड होकर आपका पोर्टफोलियो बन जाता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो समझा गया यस yes, सर सर आप जब ये बातें कर रहे थे पहले एक बार रिक हमने क्या क्या टर्नोलॉजी पढ़े अच्छा लग रहा है ये सच बोलो यस yes, सर तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने क्या बात करी वी स्टार्टेड विथ डिफेंसिव स्टॉक देन वी केम टू इनकम स्टॉक देन बोनस एंड डिविडेंड फिर बुक क्लोजर फिर पोर्टफोलियो एंड डायवर्सिफाइड सर ये आप बात कर रहे थे तो आपने बातों बातों में सर आपने डिफेंसिव स्टॉक का जिक्र किया सर आपने इनकम स्टॉक का जिक्र किया और उसके बाद सर आपने चिप कंपनीज के बारे में भी बात करी सर सवाल यह है कि सर ये ब्लू चिप कंपनी क्या होती है ऐसा आ रहेगा सवाल यस yes, सर ऐसे ही आप समझो मैं क्या करता हूं मैं आपने रोजाना देखा होगा आई स्टार्ट वन टर्मिनोलॉजी एंड देन ग्रेजुअली आई इंक्लूड द डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड फिर हमारा पूरा ये जो आगे का आज का लॉट फिर खत्म होता है समझा गया दिस इज हाउ वी लिंक द एंटायर टॉपिक सो अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में नहीं तो वो सीक्वेंस में जाते तो मजा नहीं आता ना वो लिंक ही नहीं लगता वो तो इसको इस तरीके से पढ़ना है इसको आप so, बात कर रहे किसके बारे में मालिक ब्लू चिप के बारे में सो वॉट इज दिस ब्लू चिप कंपनी ब्लू चिप कंपनीज मतलब भाई ऐसी मतलब उनका कोई जवाब नहीं भाई मतलब दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल कंपनी मतलब इनके जो है ना इसमें कोई डगमग वाला कंपनी नहीं है ब्लूचिप कंपनी मतलब क्या है पता है कि यह कंपनी कहीं नहीं जानी भाई यह कंपनी है इट इज देयर फॉर द लॉन्ग रन समझ रहा है बात को So, इसको अपन क्या बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी जैसा ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या क्या? क्या, well क्या? क्या, क्या क्या इनका अच्छा इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग्स और डिविडेंड्स है क्या अरे भाई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हो गई ब्लू चिप कंपनी हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मुझे बताइए क्या वो लार्ज कंपनी है क्या क्या ये वेल well एस्टैब्लिश्ड है क्या क्या इनका अच्छा खासा इंप्रेसिव अर्निंग्स का रिकॉर्ड है क्या डिविडेंड्स दे रहे फाइनेंशियल साउंडनेस है क्या भाई इन कंपनीज को अपन क्या बोल रहे हैं दीज कंपनीज समझ में आ रहा है आप सबको कुछ तो भी बोलो बच्चो येस yes, सर तो वहां पे आप एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख के रखें कि ब्लू चिप कंपनीज कौन सी कौन सी होती है नंबर वन हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वॉट रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर टू हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट हिंदुस्तान यूनिलीवर, एच लिख दो पूरा लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में आप आर आई एल लिख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इनके स्क्रिप्ट नेम होते हैं क्या होते हैं इनके स्क्रिप्ट नेम होते हैं लिखो लिखो मैं बताता हूं आप लोगों को हाल ही में जो लेटेस्ट टॉप टेन में से कुछ तीन चार बताता हूं आपको आपने लिखा आर आई एल लिखा एच लिखा फिर उसके बाद लिखे एच डी एफ सी बैंक इंफोसिस आई एटसेट्रा और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है कोटक महिंद्रा बैंक है और ये ये सारे जो है ना ये कौन से कंपनीज है मालिक दीज आर द ब्लू चिप कंपनीज क्लियर है एकदम सो so, ब्लू चिप कंपनीज का क्या है दीज प्रोवाइड वेरी लो टू मॉडरेट करंट ईल्ड एंड मॉडरेट टू आई कैपिटल गेन ईल्ड ठीक है ना क्या प्रोवाइड करते हैं वो लो टू मॉडरेट करंट ईल्ड जो देखो उनमें क्या है ना वोलेटलिटी एकदम कम रहती है उनको पता है अपन जो है ना बिग फिश है अपन तो वो आपको पता है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क कम है या ज्यादा है बताओ कम है इकोनॉमिक्स में हम लोग एक चीज हमेशा बोलते हैं और करते हैं हायर द रिस्क हायर इज द रिवॉर्ड लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड तो ये बोलता है हमारी कंपनी एकदम एकदम फाइनेंशियली साउंड स्टेबल है अब हमारे इसमें पैसा भी लगाओगे ना तो हम आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देने वाले सो यू आर गोइंग टू अर्न ओनली वॉट लो टू मॉडरेट ईल्ड बराबर बट यू विल बी अर्निंग वॉट मो मॉडरेट टू हायर कैपिटल गेन ईल्ड अब जरा इसके बारे में बात करते हैं सर अरे बोलो बच्चों वी आर सेईंग ब्लू चिप कंपनीज पहले ब्लू चिप कंपनीज का कॉन्सेप्ट समझा गया आपको क्या है ब्लू चिप कंपनीज जो लार्ज है फाइनेंशियली साउंड है वेल well एस्टैब्लिश्ड है एंड इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग एंड डिविडेंट है तो जब यह सारी बातें उस कंपनी में दिखती है तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे मालिक ब्लू चिप कंपनी आर वी गुड आर वी गुड यस सर अब इसके अंदर जो है ना दोस्त क्या हो गया इसके अंदर उन्होंने दो बातें बोली अपने को एक क्या बोला इनका ईल्ड के बारे में बात करिए और दूसरा उन्होंने कैपिटल गेन ईल्ड के बारे में बात करी है सही एकदम बात अरे बोलो भाई यस सर तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा अभी ये दो टर्नोलॉजी को सीखेंगे कि व्हाट इज ईल्ड एंड कैपिटल गेन ईल्ड यू अंडरस्टूड अभी तीन टाइप के स्टॉक्स देखे अपन ने एक डिफेंसिव स्टॉक इनकम स्टॉक चिप कंपनी के स्टॉक्स चिप कंपनीज आपको कैसा इल्ड देंगे लो टू मॉडरेट और कैपिटल गेन कैपिटल गेन ईल्ड कैसा देंगे आपको मॉडरेट टू हाई बट अब चर्चा क्या होनी है वॉट इज दिस ईल्ड एंड वॉट इज दिस कैपिटल गेन ईल्ड करेक्ट है एकदम चलिए सो so आएंगे वाई में फिर कितना मजा आ रहा है सर जो भी आप बातों बातों में बात कर रहे हैं सबका टर्मिनोलॉजी है इधर सही है ना एकदम ऐसे तो पढ़ना है इस चैप्टर को एक ही बार पढ़ने का वो बॉडी के अंदर कॉन्सेप्ट चले जाना चाहिए गुड है एकदम यस सो क्या हो रहा है यहां पे अभी अपन बात कर रहे हैं अबाउट ईल्ड ईल्ड मतलब इज अ मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको कितना रिटर्न मिला है ऑन योर इन्वेस्टमेंट समझे बात को आपको कितना पैसा मिला है आपके इन्वेस्टमेंट पे इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट परसेंटेज स्टॉक ईल्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग करंट प्राइस ऑफ द शेयर बाय द एनुअल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी फॉर दैट शेयर समझा गया करंट प्राइस क्या थी डिवाइडेड विथ वॉट द एन्युअल डिविडेंड पेड सही एकदम इसका परसेंटेज मतलब अपन क्या बोलेंगे इल्ड अभी जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं लेटर्ट टॉक अबाउट की एच डी एफ सी बैंक ने ये तेईस दो हजार तेईस मतलब अभी कितने दिन पहले आज ट्वेंटी है छह दिन पहले छह दिन पहले इन्होंने बोला कि हमने आपको डिविडेंड दे दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च अब कितना डिविडेंड दिया उन्होंने मुझे नाइनटीन रुपीज पर शेयर अब मैं क्या करता हूं मैं यहां पर आता हूं और यहां पर सर्च करता हूं एच डी एफ सी बैंक मेरे को ऐसा यस सर एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड वो दूसरा है अपने को अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का देखना पड़ेगा एन एस सी ठीक है ये आपको दिख रहा है अभी इसका करंट प्राइस कितना है फिफ्टीन एटी एट उधर ऊपर राइट इधर इधर कॉर्नर में इधर है इधर ठीक है ना मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा तो बड़ा दिखेगा वो एच डी एफ सी राइट बैंक शेयर प्राइस अरे बातों बातों में दो रुपए बढ़ गया भाई फिफ्टीन नाइनटी है अभी करंट प्राइस कितना है फिफ्टीन उसके ऊपर भाई उन्होंने मेरे को नाइनटीन रुपीज का डिविडेंट दिया तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉस सो ईल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर आपको नाइनटीन रुपीज का क्या पे किया डिविडेंड करंट मार्केट प्राइस उसकी क्या बोली अपने फिफ्टीन नाइन्टी पक्का क्या फिफ्टीन नाइन्टी हा ठीक है इंटू वॉट इंटू वॉट हंड्रेड सो करो कैलकुलेट करो इसको इंटू वॉट हंड्रेड सो कितना आया वन पॉइंट वन पॉइंट वन नाइन ठीक है सो इतना परसेंट उन्होंने मेरे को क्या किया है इल्ड दिया है अब आप बताइए ये जो मुझे इल्ड दिया है वन पॉइंट ऐसा ऐसा लिख दू ये, ये लिख दू इधर ऐसा वन पॉइंट टू जीरो परसेंट बोलो बच्चों वन पॉइंट टू जीरो मेरे को क्या दिया है उन्होंने इल्ड दिया है ज द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट वन पॉइंट टू परसेंट साल भर इन्वेस्टमेंट करूं मैं और उसके ऊपर मेरे को उन्होंने कितना कितना इनकम दिया अबिडेंड मिल रहा पार्टी पार्टी अरे वॉट पार्टी वन पॉइंट टू परसेंट आई एम गेटिंग यार सो दिस इज वॉट वी से ये एच डी एफ सी बैंक की ना ये जानबूझ के लिए एच डी एफ सी बैंक का एग्जाम्पल क्यू क्योंकि इट इज वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज समझा सो so, इससे क्या प्रूव हुआ अपना कि व्हाट डिविडेंड दे आर पेइंग अस द इज व्हाट लो टू मॉडरेट के बीच में है ना मॉडरेट तक गया भी नहीं सर बहुत लो है ये तो डिविडेंट वन पॉइंट टू परसेंट समझा गया क्योंकि ये है. So, अपने एक तीर से दो शिकार हो गए यहां पे आपको ईल्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया और आपको एच बैंक जो ईल्ड जो प्रोवाइड कर रहा है वो कैसा प्रोवाइड कर रहा है लो टू मॉडरेट ये भी समझ में आ गया अपने को समझ में आया आप सबको यस सर ओके चलो बहुत बढ़िया सो so, क्या लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल इफ द करंट प्राइस ऑफ द शेयर इज हंड्रेड एंड डिविडेंड पेड इज फाइव देन द स्टॉक ईल्ड इज फाइव परसेंट क्या आपको समझ में आएगा इल्ड मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है सो ईल्ड टेक्निकली क्या बोलेंगे बच्चे चलो चलो बोलो क्विकली ईल्ड मतलब क्या बोलेंगे इट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वन एनी क्वेरी कुछ तो पूछो नहीं एकदम बढ़िया सो so, ये अपनी बात सही हो गई चलिए उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ईल्ड के बाद अब क्या करना अपने को कैपिटल गेन ईल्ड क्या है क्या ये भी yeah. बिल्कुल है सर कैपिटल गेन ईल्ड क्या लिखा हुआ था कैपिटल गेन ईल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड गिवन ईयर डिवाइडेड बाई द बिगिनिंग प्राइस ऐसा बोला ना उन्होंने अब आप समझिए इल्ड मतलब क्या होता है समथिंग विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉट परसेंटेज यह समझ में आया आपको तो कैपिटल गेन ईल्ड समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कैपिटल गेन ऐसा नहीं है क्या नहीं है तो आपको समझाता हूं सो कैपिटल गेन ईल्ड इज द कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय वो डिवाइडेड है डिविडेंड नहीं है ध्यान से पढ़ना डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस समझा गया बात को सो so, अब आप समझिए बात को द कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस अब जैसे अगर मैं यहां पर आता हूं और अगर मैं यहां पर वन ईयर की बात करता हूं मैं फाइव ईयरस की बात करता हूं तो अपने को प्राइजेस मिलेंगे यहां पे सो so, अपना जो ईयर है ये फर्स्ट अप्रैल 2022 ट्वेंटी टू सो आते हैं फर्स्ट अप्रैल रफली अपन बात करेंगे एग्जैक्टली फर्स्ट अप्रैल का आएगा नहीं आएगा पता नहीं आ गया सो so, स्टार्टिंग में इसका प्राइस क्या था फर्स्ट अप्रैल को 1506 नोट करो आप मैं भी करता हूं तो इसका स्टार्ट प्राइस क्या था फर्स्ट अप्रैल को इसका प्राइस था 1506 करेक्ट है एकदम अब इसका 31 मार्च को क्या प्राइस था वो देखेंगे ये फर्स्ट अप्रैल 2022। आजा भाई सो फर्स्ट अप्रैल 22 एंड 31 मार्च 23 अब देखते हैं मार्च 23 में इसकी प्राइस क्या थी आगे मार्च में जैन, फेब 31 मार्च को इसकी प्राइस क्या थी 1609.55 तो 1609 लिखते हैं सो so, 1609 तो आप समझिए अगर मैं इसको इकतीस मार्च को बेचता बराबर तो मेरे को कितना कैपिटल गेन आता कैपिटल गेन मतलब इसको बेच के इल्ड मतलब मेरे पास शेयर है और उसके ऊपर डिविडेंड मिला है दिस नाइन रुपीज इज वॉट डिविडेंड एंड दिस इज करंट मार्केट प्राइस ओके और वो परसेंटेज निकाला कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अब इसको अगर बेचता तो मेरे को कैपिटल गेन कितना आता हा एक सौ तीन रुपए मेरे को क्या मिलता कैपिटल गेन मिलता मतलब इतना अप्रिसन होता ना मेरे मैंने फर्स्ट अप्रैल को ये पंद्रह सो छस मार्च को वो कितना गेन हुआ कैपिटल में कितना अप्रिसिएशन हुआ कैपिटल में कितना गेन हुआ हंड्रेड एंड थ्री रुपीज का ना बराबर है ना तो कैपिटल गेन का परसेंटेज कितना हुआ सो कैपिटल गेन का परसेंटेज हुआ इट इज इक्वल टू हंड्रेड एंड थ्री दैट इज द कैपिटल गेन किस पे इतना इंक्रीमेंट हुआ पंद्रह सो छ पे बराबर है कि नहीं इंटू हंड्रेड तो ये बोलो इसका परसेंटेज कितना है सिक्स पॉइंट एट थ्री परसेंट तो दिस इज वॉट आई क्वालिटी कैपिटल गेन कि भाई मेरा यह शेयर है ना छाइंट आठ तीन दशमलव मतलब छ पॉइंट आठ तीन परसेंटेज से क्या हुआ है बड़ा है इतना अप्रिसिएशन हुआ है दैट इज द कैपिटल गेन ईल्ड आई एम गेटिंग ईल्ड मतलब परसेंटेज कैपिटल गेन कितना हुआ 103 उसको अगर परसेंटेज में बताना है तो इट इज 6.83 सो अब ये एच डी एफ सी बैंक वापस से है अब आप देखो इनका ईल्ड कितना है सिर्फ करंट ईल्ड कितना है ओनली 1.8 परसेंट एट परसेंट बड़ी से हाउ मच इज द कैपिटल गेन ईल्ड दे आर गिविंग मी भाई इट इज मॉडरेट टू हाई प्रूव हो गया ना यार अरे समझ रहेगा बात को सो so, ये ब्लूचिप कंपनी आपको अभी मैं कहा वापस जा रहा हूं ब्लू चिप कंपनी प्रोवाइड यू करंट ईल्ड ऑफ लो टू मॉडरेट बट कैपिटल गेन ईल्ड ऑफ मॉडरेट टू हाई आर वी गुड यस सर सो आपको इससे दो कॉन्सेप्ट और एडिशनली क्लियर हो गए वो कौन से थे एडिशनल कॉन्सेप्ट ईल्ड एंड कैपिटल गेन ईल्ड मजा आ रहा है आगे बढ़ सकते हैं यहां से चलिए ये आपने नोट कर लिया क्या करते जाना स्क्रिबल करते जाना भैया मजा आ रहा है आप समझिए रोजाना जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना तो धीरे धीरे लेवल अप होगा इफ यू रिमेंबर है तो, तो लेवल बढ़ते जा रही क्योंकि बनते जा रहा है क्योंकि लेवल आते जाएगी समझे ना ओके सो okay. so यहां से अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसके बारे में मालिक अब ये की बात तो हो गई अपनी अभी चलते हैं अब किसके बारे में बात करेंगे आज जरा पैसे लगा रहे डाइवर्सिफाई कर रहे तो आज बात कर ही लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सबने सुना होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग सुना होगा आपने आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है डॉट कॉम बराबर के नहीं सो so, हम यहां पे आज पहले समझना चाहते हैं कि मालिक ये म्यूचुअल फंड होता क्या है वट इज म्यूचुअल फंड लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज म्यूचुअल फंड आप लोग तैयार है सब बिल्कुल सही सो so, दोस्तों म्यूचुअल फंड मतलब क्या है आइए जरा समझते हैं इधर जो है ना आप और मैं यहां जैसे लोग है इधर, अपन इच्छा है कि यार क्या करें यार मार्केट में पैसा लगाए सर क्या करने की इच्छा है आपकी मार्केट में पैसा लगाने का सर बहुत पैसा लगाने का एकदम ऐसा है ना पच्चीस दिन में पैसा डबल <laughs> बहुत पैसा लगाने का सर बहुत बहुत अमीर बनने का है सर सो so, बट मेरे को ना सर एम का शेयर खरीदने का है एम का शेयर का प्राइस मालूम आपको एक लाख आठ हजार पांच सौ आज का ताजा भाव अभी क्या था सुबह देगा मैंने आ जाओ देखते हैं ना यार एम शेयर प्राइस ओ तीन सौ रुपये बढ़ गया ना भैया सुबह देखा था एक लाख आठ हजार पांच सौ पचास था आ, बी एन एस सी पे और एक लाख आठ हजार पांच सौ था बीएससी पे अभी कितना ही है ये एक लाख आठ हजार आठ सौ मात्र एक शेयर ओनली कितना सस्ता है ना आप समझने की कोशिश करो सर क्या क्या प्राइस है एक शेयर की कीमत है सर हमारा पोर्टफोलियो मिला के हो जाता है ना तो अब आप समझिए हम सबकी इच्छा है अपन जब देखते तो गिरता ही है मार्केट वो वो पक्की बात है सो <laughs> so, आप समझिए बात को तो अब अपने को क्या करना है अपने को यार सर लेने का है मतलब सर बता रहा हूं हां बेटा लेंगे ना बट सर मेरे पास हजार रुपए <laughs> ये बोल रहा है मेरे पास दो हजार है ये बोल रहा है मेरे पास तो पांच सौ है ये बोल रहा है मेरे पास तीन हजार है ये बोल रहा है मेरे पास चार हजार है ये बोल रहा है मेरे पास भी पांच सौ है अन बातें बड़ी बड़ी हजार रुपए दो हजार रुपए तीन हजार रुपए लेके अपन क्या बोल रहे भाई एमआरएफ का शेयर खरीदने का है सबकी इच्छा होगी सही है ना क्या सबकी इच्छा होगी कि डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाए शेयर मार्केट में पैसा लगाए बट सर उतने पैसे है नहीं जितना हम लोग लगा सकते हैं तो इसीलिए क्या होता है ऐसे आप और मेरे जैसे ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग जिनको पैसा लगाने का है सही में पैसा लगाने का है स्टॉक मार्केट में बट उतना पैसा नहीं है जितना वो एक शेयर भी खरीद सके ऐसा तो ऐसे केस में क्या हो जाता है आप समझिए बात को ऐसे केस में क्या होता है एक कंपनीज़ जो होती है ना एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ बराबर ये लोग क्या करते हैं ये लोग एक फंड बनाते हैं वो बोलते हैं सब लोग साथ में आओ क्योंकि सबका साथ सबका विकास होगा म्यूचुअली आप लोग क्या कीजिए आप लोग अपना अपना जो पैसा है ना आप ये इस धनराशि को यहां पे आप क्या करिए सब लोग इस फंड में जमा कीजिए तो यहां पे ये जो है ना एक फंड बनेगा मतलब एक पूल बनेगा मतलब हर महीने हर क्वार्टर एवरी हाफ ईयर लोग जो है ना वो पैसा उसके अंदर क्या करते जाएंगे जमा करते जाएंगे तो एक फंड बनाएंगे ये फंड मैनेजर्स ये फंड बनाते हैं ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करते हैं एक फंड बनाते हैं ऐसा अब इनके पास बहुत बड़ा क्या हो जाता है एक फंड क्रिएट हो जाता है पैसा क्रिएट होता है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम का मतलब क्या होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट कि जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना कुल मिला के भारत देश की बात कर रहा हूं किसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं एसेट अंडर मैनेजमेंट समझते हो अभी ये आप सबने पैसा डाला ना तो इस फंड का एक फंड मैनेजर होगा कौन होगा पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो फिर अपन उधर आते ग्रोथ क्या, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है समझते हैं? तो ये जो है ना म्यूचुअल फंड जितना भी आपने पैसा यहां पे जमा कराना सबने ये फंड मैनेजर के पास अभी एक बहुत बड़ा पूल एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठा हो गई उसके पास अब ये क्या करेगा आपके बिहाफ पे क्या करेगा ये अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदेगा क्योंकि अब उसके पास बड़ा पोर्शन एक बड़ा चंक आ गया ना उसके पास समझा गया बात को और ये जितने भी शेयर्स आए जि, जिस भी प्राइस पे आपको उसका एक प्रोपोर्शन में आपको क्या अलॉट हो गया उसके यूनिट्स मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे आपको यूनिट्स मिलेंगे तो आपने अगर सौ रुपए लगाए तो उसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे बोलो रे कुछ आपको वो हिसाब से आपको क्या मिलेंगे यूनिट्स मिलेंगे आपको तो वो यूनिट्स मतलब तो आपने अगर सिर्फ सौ रुपए लगाए तो आपको उसके हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे आपने ज्यादा पैसा लगाया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे समझा क्या बात को तो ऐसे करके क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में सब लोग पैसा लगाते हैं इसका फायदा क्या होता है भाई वी से दैट म्यूचुअल फंड सही है रीजन जब मार्केट गिरता है ना यू स्टिल कीप ऑन इन्वेस्टिंग यू डोंट स्टॉप योर म्यूचुअल फंड यू स्टिल इन्वेस्ट क्या होता है इससे कि जब मार्केट गिर रहा है तो सस्ते में मतलब आप रोजाना एवरी मंथ अगर मान लो आप हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केट गिर रहा है तो वो हजार रुपए में आप आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे ना मार्केट और गिरा आपको उसी हजार रुपए में और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे मार्केट और गिरा यू स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट यू कीप ऑन पुटिंग द मनी आपको और ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे फिर मार्केट जब उठेगा ना यू स्टिल इन्वेस्ट थाउजेंड रुपीज आपको अब कम यूनिट्स मिलेंगे बट जो पहले जो आपके यूनिट्स थे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ना अभी समझा गया दिस इज हाउ योर मनी ग्रोस समझा गया जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ एक सिंपल ग्लिम्स बताता हूं बस आपको जैसे ये जो है ये मैंने इन्वेस्टमेंट 14,970 थाउजेंड नाइन सेवेंटी किया आदित्य बिरला सनलाइफ लो ड्यूरेशन फंड में शॉर्ट टर्म के लिए तो वो जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका वैल्यू कितना था यूनिट्स कितने मिले मेरे को उसके 37.963 इतने यूनिट्स मिले 37 यूनिट्स मिले अब जब ये आदित्य बिरला सनलाइफ में जितने भी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अगर उनकी प्राइजेस बढ़ी तो आप समझिए आज उसकी करंट वैल्यू कितनी हो गई है मेरी ट्वेंटी समझा गया तो जब वो वैल्यू बढ़ता है तो उतने ही यूनिट्स की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है इसको बोलते हैं यूनिट्स और फिर इसको बोलते हैं करंट वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू जैसे अभी ये एक्सिस आर्बिट्रेज फंड रेगुलर है अब उसमें मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है थोड़ा थोड़ा कर करके कर करके -कर एकदम एक साथ नहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ ये ये थोड़ा थोड़ा पांच पांच हजार रुपए दो दो हजार रुपए लॉन्ग टर्म में डालते जाओ हुआ वहां पर दो हजार रुपए डालते जा ये फंड में डालते जा कितना पैसा है वहां पे इन्वेस्टेड वन लाखी एट थाउजेंड अंदर जितने भी शेयर है जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई वन लाख सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स समझा गया बात को सो ये ऐसे क्या होता है ये फंड मैनेजर्स क्या करते हैं अलग अलग ऐसे अपने वो अलग अलग टाइप के फंड बनाते हैं आपकी नीड के हिसाब से जैसे आप देखोगे आप इक्विटी फंड के बारे में सुना होगा या आपने अभी नाम देखा लो ड्यूरेशन आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज का पढ़ा था ना अपन ने ये आर्बिट्रेज फंड क्या है इधर से, से से बाय उधर सेल वो वैसा फंड बनाया है उन्होंने आर्बिट्रेज फंड समझा बात करें तो बच्चे बोल रहे आर्बिट्रेज व्हाट इज आर्बिट्रेज यू हैव टू थिंक व्हाट इज आर्बिट्रेज समझा गया तो ऐसे अलग अलग फंड होते हैं इक्विटी फंड होता है डेट फंड होता है या आपने बहुत सी बार वो आईसीआईसी बैंक का एडवर्टीजमेंट देखा होगा बैलेंस्ड फंड वो सीशो पर आईपीएल देखते समय एडवर्टीजमेंट आता था ना बार बार वो बैलेंसो खेलते रहते देखो वो लोग बराबर तो कभी डेट कभी इक्विटी बराबर या तो अभी रिसेंट एड चल रहा है उनका भैया बोले इसमें इन्वेस्ट कर पापा बोले उसमें इन्वेस्ट कर सुनना सबकी बट करना ऐसा कुछ तो भी वो एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा शायद आपको समझ में नहीं आता होगा इसके लिए आप इतना ध्यान नहीं देते होंगे उस पर बट आप समझने की कोशिश कीजिए बैलेंस फंड मतलब क्या वो डेट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा और इक्विटी में भी सिर्फ इक्विटी फंड सिर्फ डेट फंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंड होते हैं समझा बात को तो म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको समझा गया क्या होता है पहले हम लोग वो टेक्स्ट को पढ़ेंगे ठीक है ठीक है सो so, टेक्स्ट किधर है इधर है सो so, क्या लिखा हुआ है किधर हाँ अ पूल ऑफ मनी पूल ऑफ मनी मैनेज बाय एक्सपर्ट्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज द फंड मैनेजर्स बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द सेविंग्स दीज एक्सपर्ट्स विल क्रिएट अ डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्रॉम दीज फंड्स और अब आप अगर देखोगे तो ये इसमें आते हैं कि इंडियाज एसेट अंडर मैनेजमेंट इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहले कितना था 7.61 ट्रिलियन इतना रुपीस इन्वेस्टेड था नाउ इन अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स बराबर के नहीं 2013 से 2023 में इट हैज बिकम हाउ मच 46.38 ट्रिलियन विच इज सिक्स टाइम्स बढ़ गया है वो समझ रहा है बात को तो आज अरे तुम नंबर समझ रहे क्या ट्रिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन समझ रहे हो आपको कितना पैसा लोगों का ये लोग मैनेज करते हैं तो आप और हम जैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते हैं सो उनके लिए फिर पे पैसा जाता है ये म्यूचुअल फंड्स में समझा गया बात को क्लियर है एकदम सो so ये कुछ बातें आज हमने करी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मजा आ रहा है अरे बोलिए साहब ओके कल मिलेंगे और बहुत और अच्छी अच्छी बातें करेंगे ठीक है जी सो so, कल और नए चीजें हम लोग सीखेंगे ट्रांजेक्शन कैसे सेटल होते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कमोडिटीज क्या होते हैं कॉल पुट कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कैसे होता है हेज कैसे करते हैं इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे बहुत नई चीजें होगी सो सी यू गाइस टुमारो थैंक यू वेरी मच गाइस हैव अ ग्रेट 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 डे हेट बाय बाय